Hello everyone, a very good evening to all of you guys. कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. जल्दी से मुझे बता दीजिएगा. गुड इवनिंग एवरीवन. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से बताओ. प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? यस और नो? जल्दी से बताओ यार. चलो सेशन बंद करते हैं. मयंक मिश्रा जी, यार ये सब बातें तो यार एग्जाम के बाद होती हैं, पहले सेशन तो अटेंड करो कम से कम. ये सारी बातें जो होती हैं वो एग्जाम के बाद होती है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना कम जाएगा, कितना ज्यादा जाएगा. पेपर भी तो देखो कितना आ रहा है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने पोस्ट हैं, उसके बाद ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं. बाकी आप लोगों को कई लोगों ने बोल बोल के इतना कुछ कर दिया गया है कि आप लोग बस यही सोचते हैं कट ऑफ कितना जाएगा. प्रिपरेशन कोई नहीं कर रहा है ना. अब बस लास्ट दिन आएगा तो आप सोचते हैं सेमेस्टर की तरह एग्जाम निकल जाएगा. मतलब जो व्यक्ति अगर 2 साल से 1.5 साल से कर रहा है प्रिपरेशन, उसका क्या होगा फिर? वो उसने कभी प्रिपरेशन कट ऑफ का पूछा? प्रैक्टिस कट ऑफ की बातें तब आती है जब हमें अपने आप पे डाउट होता है. यदि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि यार आप कम से कम 150-200 लाएंगे, 150-180 तक ले आएंगे, 200 में से 150-160 तक ले आएंगे, कट ऑफ की कोई बात ही नहीं आती है यार. कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके टॉप रैंक में आ रहा है तो वो कट ऑफ का सोच रहा हो? तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से जनरेट करो यार. कट ऑफ कितना भी रहेगा, मैं कम से कम 160-170 लेकर के आऊंगा. मैं कम से कम 160-170 लेकर के आऊंगा. बेटा ये तुम्हें जो होप होता है ना, ये पॉइजन का काम कर देता है. पता जो तुम होप बोला है ना कि होप बढ़ जाता है कट ऑफ पता करने से, वो पॉइजन का काम करता है एक्चुअली. फिर हम दिमाग में सेट कर लेते हैं. अगर मैंने बोल दिया 140 तक जाएगा कट ऑफ, तुमने दिमाग में सेट कर लिया यार 140 तक लाना है, और फिर तुम 160 तक का एफर्ट नहीं करते. जब 140 पहुंच जाते हो ना, तुम ढीले पड़ जाते हो. 140-150 पे आके ढीले पड़ जाते हो. फिर वो पॉइजन का काम करता है. अरे 140 बोला था लगभग, हमारे तो 143 नंबर आ रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेंगे, हो जाएगा. वो पॉइजन का काम करता है. ये बात भी तो समझो. हम अपनी लिमिट में आना, कंफर्ट में आना स्टार्ट कर देते हैं. तो इतना मान के चलो कि लास्ट ईयर 150 गया था, तो 150 से 160 तक तो तुम्हें लाना ही है. क्यों सोचो तुम कम लाओ? ठीक है, क्लियर है भाई? ओ भाई क्लियर है. चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. कहां की बातें कहां ले जाते तुम मेरे से यार. मत छिड़ा करो बहस बातों पे. मैं बता दूंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो यार. लेकिन एनालिसिस तो होने दो पूरा. कुछ भी गड़बड़ बोलने से बेटर है कि मैं शांत रहूं, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ स्टार्ट करते हैं. हम सर्वेइंग की बात कर रहे हैं. हम सर्वेइंग के लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो ये 9 PM का सेशन चलता है, इस 9 PM के सेशन के बाद हम एक मास्टर क्लास प्लान करते हैं. और जो हमारी मास्टर क्लास होती है, वो मास्टर क्लास हमारी डेली मंडे टू फ्राइडे 3:30 PM पर हो रही है. कितने? 12:30 PM पर हमारी होती है. 12:30 PM पर होती है मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू फ्राइडे हम बात करते हैं. यहाँ पर हमारी जो क्लास निकल करके आती है वो 12:30 PM पर निकल करके आ रही होती है. तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल करके आ रही होती है. तो हम बात करें, ये कंडीशन हमारी होती है सर्वेइंग की क्लास में.
ठीक है, तो अगर हम बात करें तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि हम बात करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग की। तो कंपास सर्वेइंग में हम बात करें तो कंपास सर्वेइंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग भी बोल सकते हैं। कंपास सर्वेइंग भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें, सेशन को शेयर करो सबसे पहले, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का सिंपली मतलब होता है टू गो अराउंड द ऑब्स्टिकल, टू गो अराउंड द ऑब्स्टिकल, गो अराउंड द ऑब्स्टिकल, या टू पास अक्रॉस एन एरिया, और टू पास अक्रॉस एन एरिया, एक एरिया से पास होना या फिर किसी ऑब्स्टिकल के चारों ओर घूम पाना, हमारा क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। तो ट्रैवर्सिंग में जनरली क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से आते हैं, या तो फिर वहीं वापस आ जाते हैं, या फिर हम किसी दूसरी तरीके से वहां पर कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो कंडीशंस वहां पर निकल करके आती है, वहां पर होती है ट्रैवर्सिंग। तो कंपास ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है, कंपास की मदद से ट्रैवर्सिंग को परफॉर्म करना, कंपास की मदद से ट्रेवर्सिंग को परफॉर्म करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपास ट्रेवर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ट्रेवर्सिंग का मतलब एक और होता है, ट्रेवर्सिंग जो होता है वो नंबर ऑफ लेग्स को कनेक्ट करते हुए एक वर्क होता है जो कि ओपन या क्लोज पॉलीगन रख रहा होता है। कैसा, ओपन या क्लोज पॉलीगन रख रहा होता है। तो ट्रेवर्सिंग एक तरीके का वर्क है जिसमें नंबर ऑफ लेग्स को कनेक्ट करते हैं और जो एक क्लोज या ओपन पॉलीगन रख रहा होता है, तो वो कंडीशन हमारी किसकी कहलाती है, ट्रेवर्सिंग की कही जाती है। अब कंपास, कंपास की मदद से ट्रेवर्सिंग करना है, तो अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग कई बार पूछ दिया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल बोला जाता है वो क्या कहा जाता है, तो कंपास सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल निकल करके आता है वो ट्रेवर्सिंग ही होता है। क्या होता है, ट्रेवर्सिंग ही निकल करके आ रहा होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया कि कंपास सर्वेइंग का जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या कहा जाता है, वो ट्रेवर्सिंग कहा जाता है। दूसरी कंडीशन, कंपास सर्वेइंग हम परफॉर्म कहाँ करते हैं, कंपास सर्वेइंग हम परफॉर्म कहाँ कर सकते हैं, व्हेन एरिया इज लार्ज, एरिया इज लार्ज एंड अंड्यूलेटिंग, अंड्यूलेटिंग एंड ट्राइंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब बताओ ट्राइंगुलेशन नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, चेन सर्वेइंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या था, ट्राइंगुलेशन था। चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या निकल के आया था, ट्राइंगुलेशन। तो ट्राइंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल उस कंडीशन में हम बात करते हैं एरिया विथ अंड्यूलेटिंग एंड विथ लार्ज नंबर ऑफ डिटेल, लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स, हमारे कहें व्हेन एरिया इज लार्ज अंड्यूलेटिंग एंड विथ लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स है और ट्रायंगुलेशन नॉट पॉसिबल है, तो हम बात करते हैं कंपास सर्वेइंग इज प्रेफर्ड, कंपास सर्वेइंग इज प्रेफर्ड। कंपास सर्वेइंग को क्या किया जाता है, प्रेफर्ड किया जा रहा होता है। ठीक है, कंपास सर्वेइंग को क्या किया जाता है, प्रेफर्ड किया जा रहा होता है। तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आती है, कंपास सर्वेइंग इज प्रेफर्ड, दिखाई नहीं दे रहा नीचे का, चलो इसको अभी ऊपर कर देंगे, आप अगली बार से ध्यान रखूंगा। हेलो आशुतोष शर्मा जी, गुड इवनिंग अमित जी। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हम कंपास सर्वेइंग उस कंडीशन, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कंपास सर्वेइंग कब प्रेफर किया जाता है, कंपास सर्वेइंग निम्नलिखित कंडीशंस में हमारा प्रेफर किया जा रहा होता है, तो कंपास सर्वेइंग की हमने यहाँ पर बात की। दूसरा यदि हम बात बोलते हैं तो हम बात करते हैं तो यहां पर ओनली एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन, एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन, ओनली एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन, केवल और केवल कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं, एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं। और जो एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं हम बात करते हैं यहां पर दो तरीके होते हैं, कौन से दो तरीके होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर, दो लाइन है उन लाइन का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे हम बात करें ये हमारी लाइन है, इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का आपस में इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक एक हमने मेजरमेंट लिया, एक मेजरमेंट, और एक मेजरमेंट क्या मैंने बोला ये नॉर्थ लाइन है, अब किसी भी लाइन का मेजरमेंट करना इसी लाइन से करना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इस नॉर्थ डायरेक्शन से किसी भी लाइन का मेजरमेंट करना, ये
तो किसी भी लाइन का मेजरमेंट, चाहे यहां से लाइन का मेजरमेंट करो, चाहे यहां से लाइन का मेजरमेंट करो, चाहे यहां पर लाइन का मेजरमेंट करो, किसी भी तरीके से लाइन का मेजरमेंट करो, तो ये फिक्स्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? फिक्स्ड डायरेक्शन के, फिक्स्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आ रही होती है, तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आ रही होती है, तो वो कंडीशन की हम बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आ रही होती है। क्लियर है बात? तो हम रिलेटिव टू ईच अदर, हम बात क्या रिलेटिव टू ईच अदर की बात करते हैं हम, तो रिलेटिव टू ईच अदर हमने बात की हुई है, तो ये यहां पर निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, रिलेटिव टू सम स्पेसिफाइड रेफरेंस डायरेक्शन, तो हम क्या रिलेटिव टू सम रेफरेंस डायरेक्शन, अगर हम बात करें तो रिलेटिव टू सम रेफरेंस डायरेक्शन उस रिस्पेक्ट में भी हम यहां पर निकाल करके ला सकते हैं। तो ओनली एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन, अगर हम बात करें केवल और केवल एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं और रिलेटिव टू ईच अदर लिए जाते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं, और रिलेटिव टू सम रेफरेंस डायरेक्शन किसी रेफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे होते हैं, तो वो कंडीशन हमारी यहां पर निकल करके आती है, तो वो कंडीशन यहां पर हो जाती है। तो दो तरीके की यहां पर बात निकल करके आती है। क्लियर है बात? तो अब अगर हम बात करें तो रिलेटिव टू ईच अदर डायरेक्शन इस कंडीशन में जो निकल के आता है वो हमारा थ्योडोलाइट ट्रैवर्सिंग निकल के आता है, थ्योडोलाइट ट्रैवर्सिंग निकल करके आता है। क्योंकि अगर हम बात करें एक दूसरे लाइन की, तो कंपास की मदद से हम कभी भी मेजरमेंट नहीं ले सकते, कंपास की मदद से एक दूसरे लाइन का मेजरमेंट नहीं लिया सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रिलेटेड टू सम रेफरेंस डायरेक्शन, तो हम कंपास की मदद से ले सकते हैं, तो कंपास ट्रैवर्सिंग उसको हम बोल रहे होते हैं। उसको क्या बोल रहे होते हैं? कंपास ट्रैवर्सिंग हम उसको बोल रहे होते हैं। तो उसको क्या बोल रहे होते हैं? कंपास ट्रैवर्सिंग बोल रहे होते हैं। गुड इवनिंग पंकज, तो अभी समझ में आया यानी? तो हम दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं यहां पर किसकी वजह से, रिलेटिव टू ईच अदर, तो हम थ्योडोलाइट ट्रैवर्सिंग करते हैं, और एक होता है रिलेटिव टू क्या हम बात करते हैं यहां पर सम रेफरेंस डायरेक्शन, तो उसको कंपास ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। अब जब हम कंपास ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, तो कंपास का साइज किससे डिसाइड होता है? कंपास का साइज किससे डिसाइड होता है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर, तो ध्यान देना, एक नोट करके लिखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइज ऑफ कंपास या डाया ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल रिंग्स ऑफ कंपास डिटरमाइन इट्स साइज, साइज ऑफ कंपास इज डिटरमाइंड बाय डाया ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ कंपास। बेटा यहां पर लोअर प्लेट और अपर प्लेट कुछ भी नहीं होता है, जो लोअर प्लेट और अपर प्लेट की बात कर रहे हैं वो थ्योडोलाइट में हमें डिफाइन करना होता है। किसमें डिफाइन करना होता है? थ्योडोलाइट के अंदर हमें डिफाइन करना होता है। तो साइज ऑफ कंपास इज डिटरमाइंड बाय द डाया ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ कंपास। अगर हम ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ कंपास की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ कंपास के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा क्या देता है? साइज ऑफ कंपास को डिफाइन कर रहा होता है। जबकि डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट जो हम बात करते हैं, वो किसमें डिफाइन करता है? वो थ्योडोलाइट में डिफाइन कर रहा होता है। डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट किसमें डिफाइन कर रहा होता है? वो थ्योडोलाइट में डिफाइन कर रहा होता है कि वो क्या कंडीशन निकल करके आती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, जहां पर भी हमें कंपास सर्वे प्रेफर करना है, ध्यान रखना, जहां पर कंपास सर्वे प्रेफर करना है, तो कंपास सर्वेइंग के केस में एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, या अगर हम बात करें तो वो एरिया शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर्स मैग्नेट, दैट एरिया शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर्स मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस भी यहां पर मेंशन की जानी चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से मेंशन कर लेना, इस कंडीशन को अपने हिसाब से मेंशन कर लेना। क्लियर है बात? तो वो हम यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमने बोला कि ट्रैवर्स जो होता है वो ट्रैवर्स क्या होता है, तो ट्रैवर्स की बात करें, तो ट्रैवर्स क्या होता है? नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन फ्रेमवर्क विच फॉर्म ईदर क्लोज्ड और ओपन पॉलीगन,
नंबर ऑफ कनेक्टेड लेग और लाइन फ्रेमवर्क विच फॉर्म्स इधर क्लोज और ओपन पॉलीगॉन। तो या तो वो क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा या फिर हमारा ओपन पॉलीगॉन बना रहा होता है। या तो क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा या फिर क्या कर रहा होता है, ओपन पॉलीगॉन बना रहा होता है। तो ये conditions यहां पर निकल कर कहते हैं either closed और open polygon बना रहा होता है। तो अगर हम बात करें type of traverse की, तो type of traverse की बात करते हैं, type of traverse, तो दो तरीके के traverse निकल करके आ रहे होते हैं। एक हमारा होता है closed traverse और एक हमारा होता है open traverse। ठीक है, तो close की बात करें, close कौन से होते हैं, क्लोज वो ट्रेवर्स निकल करके आते हैं जिसमें हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा सेम निकल करके आएगा। जैसे हमने ए से स्टार्ट किया, बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर गए और ई से फिर अगेन ए पर पहुंच गए। तो ऐसा ट्रेवर्स जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, स्टार्ट अगर हम बात करें तो यहीं से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है और यहीं पर क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रेवर्स बोलेंगे। और क्लोज ट्रेवर्स किसके लिए यूज करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जिनकी बाउंड्री हमें लोकेट करना है, जिनकी बाउंड्री क्या करना है, लोकेट करना है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम पॉन्ड की बात करें, एक पॉन्ड की बात करें, तो पॉन्ड की बाउंड्री लोकेट करना है और इसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लोज ट्रेवर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करें तो ओपन ट्रेवर्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रेवर्स जिसमें हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या निकल करके आते हैं, डिफरेंट निकल करके आते हैं। हम बात कर रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया है मेरा, ये एंड पॉइंट हो गया है। तो ऐसे ट्रेवर्स जहां पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास कैंसिल भी करना था मेरे को, तुम लोग मुझे कुछ काम थे, तुम लोग की वजह से मैं क्लास लेने के चक्कर में मेरे काम लग जाते हैं और तुम लोग तो आना नहीं होता है ना, इसलिए चलो बढ़िया है। तो अगर हम बात करें क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं, यहां पर क्लोज ट्रेवर्स और किसकी बात करते हैं, हम ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं। तो बताओ पहले क्लोज और ओपन ट्रेवर्स समझ में आए। अब मुझे बताओ पाइपलाइन के लिए कौन सा ट्रेवर्सिंग करोगे, पाइपलाइन के लिए कौन सी ट्रेवर्सिंग करोगे, पाइपलाइन के लिए जो ट्रेवर्सिंग निकल के आएगा वो कौन सी होगी, ओपन या क्लोज ट्रेवर्स, हमारा ओपन ट्रेवर्स आएगा। अच्छा बताओ सी शोर की बाउंड्री लोकेट करने के लिए कौन सा आएगा, सी शोर की बाउंड्री लोकेट करने के लिए कौन सा आएगा, सी शोर की बाउंड्री लोकेट करने के लिए कौन सा आएगा, ओपन ट्रेवर्स निकल करके आएगा। अच्छा बताओ एक बिल्डिंग के लिए कौन सा ट्रेवर्स निकल करके आएगा, एक बिल्डिंग के लिए कौन सा ट्रेवर्स निकल के आएगा, क्लोज ट्रेवर्स निकल के आएगा। एक फॉरेस्ट के लिए कौन सा ट्रेवर्स निकल के आएगा, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के लिए क्लोज। अच्छा रिवर के लिए कौन सा निकल के आएगा, रिवर के लिए बताओ, रिवर के लिए, रिवर के लिए, रिवर के लिए, रिवर के लिए, ओके ओके, रिवर के लिए कौन सा निकल के आएगा, रिवर के लिए ओपन ट्रेवर्स निकल करके आएगा ना कि क्लोज ट्रेवर्स। गगन चौबी जी का आंसर पहले सही है कि ओपन ट्रेवर्स निकल के आएगा, क्योंकि रिवर क्या होती है, हमेशा इस डायरेक्शन में इस तरीके से बह रही होती है, और अगर रिवर इस तरीके से इस डायरेक्शन में बह रही होती है तो उसके लिए कौन सा आएगा, ओपन ट्रेवर्स निकल करके आएगा। तो ओपन ट्रेवर्स निकल करके आने वाला होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर दो तरीके के ट्रेवर्स होते हैं, एक क्लोज ट्रेवर्स, एक ओपन ट्रेवर्स। तो ऑब्जेक्टिव बना करके बोल देगा कौन सा ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव बना करके बोल देगा कौन सा ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रेवर्स को जनरली जो क्लोज ट्रेवर्स होते हैं जनरली हम बात करते हैं कैसा बनाते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। क्यों, हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाया जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनाया होता है, क्यों, इसका रीजन होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बनाते हैं तो हमारे जो एंगल का कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन क्या निकल करके आती है, तो ये कंडीशन निकल करके आती है कि यहां पर सर्वे के नोट्स, अब जिनको भी चाहिए है वो वहीं पर टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं वहां पर अलग से दूंगा सर्वे के नोट्स, ठीक है, ओके चलो।
के नोट्स मिलेंगे ही नहीं पूरे। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स की बात करते हैं यहां पर, तो स्टार्ट और एंड बात हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड पॉइंट यहां पर बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर कि जब ओपन ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स की बात करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे हम इंटरनल एंगल की बात करते हैं तो इंटरनल एंगल हमेशा हमारा इंक्लूडेड एंगल जो इंटरनल एंगल निकल करके आएगा, ये चीजें मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने केवल ओपन और क्लोज ट्रेवर्स की बात की है, ओपन और क्लोज ट्रेवर्स क्या होते हैं। अच्छा, एरर किसमें आइडेंटिफाई आसानी से हो जाती है, तो क्लोज ट्रेवर्स में जो एरर है वो लेस एरर निकल के आती है और आसानी से आइडेंटिफाई भी हो जाती है और उसको हम आसानी से रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन ट्रेवर्स में एरर को फाइंड आउट करना आसान नहीं होता है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एरर निकल के आती है क्या होता है, एरर लेस एरर निकल करके आती है, और यहां पर क्या होती है, मोर एरर निकल करके आती है, और उस एरर को आइडेंटिफाई करना भी वहां पर हम बात करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना भी यहां पर आसान नहीं होता है, आइडेंटिफाई करना उसको आसान निकल करके नहीं आता है, तो वो कंडीशन हम बात करते हैं यहां पर, ये निकल कर आती है। अब हम बात करते हैं जब लेस एरर की बात कर रहे हैं, तो लेस एरर की बात कर रहे हैं तो इसको आसान, इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, बोडिस मेथड है, ट्रांजिट टूल है, ग्राफिकल रूल है, एक्सिस मेथड है, कई सारे मेथड है जो यहां पर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओपन ट्रेवर्स में जो हम चेक लगाने के लिए हम बात करते हैं, तो यहां पर लिमिटेड मेथड अवेलेबल है, जैसे कट ऑफ लाइन मेथड है, कट ऑफ लाइन के बाद ऑक्सिलरी लाइन मेथड है, तो ये सारे मेथड यहां पर निकल करके आते हैं और उस मेथड को अप्लाई करना भी आसान नहीं होता है, इसलिए हम ओपन ट्रेवर्स जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। हम कौन सा ट्रेवर्स प्रेफर कर रहे होते हैं जनरली हम क्लोज ट्रेवर्स यहां पर प्रेफर कर रहे होते हैं, तो क्लोज ट्रेवर्स की बात करते हैं। अब ओपन और क्लोज तो ठीक है सर, यहां पर अगर हम बात करें तो एक और टर्म आता है सर, मेरिडियन, ये क्या होता है सर, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन कुछ भी नहीं होता है, एक रेफरेंस डायरेक्शन जो आपने बात की थी, ये रेफरेंस लाइन या रेफरेंस डायरेक्शन हमारा क्या कहा जाता है, जिससे हम एंगल का मेजरमेंट ले रहे होते हैं, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस डायरेक्शन हम बात करते हैं, फ्रॉम विच हॉरिजॉन्टल एंगल इज डिफाइंड, so this fixed line is known as meridian। अब समझो तुम meridian होता क्या है, this fixed line is known as meridian, इस fixed line को क्या बोलते हैं, meridian बोल रहे होते हैं, इस fixed line को क्या बोलते हैं, meridian बोल रहे होते हैं, इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोल रहे होते हैं, मेरिडियन बोल रहे होते हैं, क्लियर है, अभी नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, देखो ये है तुम्हारी धरती, ये है तुम्हारी धरती, और अगर हम बात करें इसमें जो ये लाइन निकल करके आ रही है, ये जो लाइन निकल करके आ रही है, ये जो लाइन, ये आपके क्या है, ये मेरिडियन ही तो है, ये क्या है, मेरिडियन। तो अगर हम बात करें तो यहां से बीच से पास होते हुए ऐसे नंबर ऑफ सर्कल खींचे जा सकते हैं या नहीं, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यहां से पास होते हुए नंबर ऑफ सर्कल खींचे जा सकते हैं या नहीं, अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सर्कल यहां से खींचे जा सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है यहां से जो सर्कल पास हो रहा है ये दोनों तरफ से पास होगा इस तरीके से, और ये सर्कल पूरे के पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ऐसा वर्टिकल सर्कल, ऐसा ग्रेट सर्कल, जो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेट सर्कल वो सर्कल होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे पार्ट को, पूरे के पूरे सरफेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो ग्रेट सर्कल क्या कहे जाते हैं, मेरिडियन कहे जाते हैं, वो ग्रेट सर्कल क्या कहे जाते हैं, मेरिडियन, और ये जो ग्रेट सर्कल होंगे वो हमेशा वर्टिकल वाले होंगे, कभी भी ये नहीं कहना कि हॉरिजॉन्टल ग्रेट सर्कल, हॉरिजॉन्टल ग्रेट सर्कल इक्वेटर भी दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन ये मेरिडियन नहीं कहा जाएगा, ये क्या नहीं कहा जाएगा, ये मेरिडियन नहीं कहा जाएगा, ये मेरिडियन नहीं कहा जाएगा, तो मेरिडियन का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, जो अर्थ के लॉन्गिट्यूड निकल करके आ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मेरिडियन कहे जाएंगे। अब तुम यहां पर खड़े हो जाओ, प्लेस के साथ ये मेरिडियन चेंज हुआ, लेकिन चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, चाहे 500 साल बाद यहां खड़े रहो ऐसे ही, लेकिन क्या ये मेरिडियन चेंज होगा, 10 डिग्री ईस्ट निकल करके आ गया, मान लो अगर ये 10 डिग्री ईस्ट निकल करके आ गया, और अब तुम्हारी रेफरेंस लाइन हमेशा क्या है, 10 डिग्री ईस्ट ही है,
चाहे किसी भी टाइम पे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 5,000 साल बाद, 5 लाख साल बाद भी देख लोगे तो क्या ये मेरिडियन यहीं से निकल करके आएगा या नहीं? 5 लाख साल बाद भी देखोगे तो यही मेरिडियन यहीं निकल के आएगा या नहीं? तो हम बात करें, ये मेरिडियन फिक्स हो गया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या प्लेस के साथ फिक्स है? जैसे ही तुमने जंप करके यहां पर आए, 0 डिग्री पर आए, 0 डिग्री पर खड़े हुए, वैसे ही मेरिडियन चेंज हो गया। अब तुम्हारी जो ओए लाइन की तुमने लाइन, ये ओए लाइन थी, इसकी डायरेक्शन ली थी पहले हमने 10 डिग्री ईस्ट से, अब कहां से ले रहे हो? 0 डिग्री से ले रहे हो। तो ये सारे वर्टिकल सर्किल जो एक रेफरेंस डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमारे क्या कहे जाएंगे? मेरिडियन कहे जाते हैं। और इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो लाइन निकाल करके लाते हैं, जो हम एंगल निकाल करके लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बियरिंग बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? उसको हम बियरिंग बोल रहे होते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उसको? उसको बियरिंग बोल रहे होते हैं। तो बियरिंग का मतलब ही होता है, बियरिंग का मतलब ही होता है, बियरिंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एंगल। बियरिंग कभी भी वर्टिकल एंगल निकल करके नहीं आएगा, बियरिंग हमेशा कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। बियरिंग क्या निकल के आएगा? बियरिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। बियरिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल निकल। क्लियर है बात सभी को? यस और नो, समझ में आई? तो हम बात करते हैं यहां पर, देखो तो मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं? मेरिडियन 4 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक हमारा होता है ग्रिड मेरिडियन, और एक हमारा होता है आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो बियरिंग आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बियरिंग। यहां पर मैग्नेटिक बियरिंग के रिस्पेक्ट में आएगी तो किसको बोला जाता है? मैग्नेटिक बियरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक बियरिंग बोला जाता है, मैग्नेटिक बियरिंग, यानी हम BMB बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्रिड बियरिंग। ग्रिड के रिस्पेक्ट में क्या लिया जाता है? उसको ग्रिड बियरिंग बोला जाता है। और आर्बिट्री के रिस्पेक्ट में क्या लिया जाता है? आर्बिट्री बियरिंग बोला जाता है, आर्बिट्री बियरिंग बोला जाता है। तो बियरिंग क्या है? बियरिंग, बियरिंग हमारा है क्या बेटा? बियरिंग है क्या? बियरिंग है हॉरिजॉन्टल एंगल दैट इज मेजर्ड फ्रॉम मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विथ मेरिडियन, मेजर्ड विथ मेरिडियन, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है, हम बात करते हैं बियरिंग। उसको क्या बोला जाता है? उसको बियरिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बियरिंग बोला जाता है। गुड नाइट। अच्छा क्लियर है बात? उसको बियरिंग बोला जाता है। यहां से हट जाऊं मैं? अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे बियरिंग्स की, सारी की सारी बियरिंग्स की। पहले मैं सबको बता रहा हूं, फिर उसके बाद इकट्ठा लिखवा दूंगा, ठीक है? एक साथ जो जो पॉइंट है वो लिखवा दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं ट्रू बियरिंग बता दे रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखो ये है हमारा ट्रू नॉर्थ और ये हमारा क्या है? ट्रू साउथ। ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है। तो एक हमारा होगा ट्रू नॉर्थ और एक हमारा होगा ट्रू साउथ। तो ट्रू नॉर्थ, इसको ही हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल साउथ। इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से पास होता हुआ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से पास होता हुआ जो ग्रेट सर्किल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। उसको बोला जाएगा ट्रू मेरिडियन। उसको क्या बोला जाएगा? ट्रू मेरिडियन, मतलब ट्रू रेफरेंस लाइन बोली जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू रेफरेंस लाइन। तो अगर हम बात करें यहां पर, दिखाता हूं मैं तुम्हें,
ये अर्थ है, तो अर्थ के यहां से पास होता हुआ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रख रहा है, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की बात कर लें, हम किसकी बात कर लें, ट्रू मेरिडियन की, तो ट्रू मेरिडियन क्या यहां से पास हो रहा है कुछ ऐसा, ये अब बताओ, ये जो ट्रू मेरिडियन मैंने काट दिया, बीच से काट दिया, ये ट्रू मेरिडियन बीच से काट दिया, क्या ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखेगा, चाहे जितने भी वर्टिकल सर्किल बना लो यहां से पास होते हुए, जितने चाहे उतने वर्टिकल सर्किल बना लो यहां से पास होते हुए, जितने चाहे उतने वर्टिकल सर्किल बना दो, तो क्या सभी के सभी सर्किल क्या इस अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन को रख रहे होंगे या नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और एक पॉइंट से पास होते हुए कितने ट्रू मेरिडियन बना सकते हो आप, कितने ट्रू मेरिडियन बना सकते हो, नंबर ऑफ अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रू मेरिडियन हम बना सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रू मेरिडियन हम बना सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अभी इमेज क्लियर हो रही, मेरिडियन क्या है, रटते रहोगे मेरिडियन मेरिडियन मेरिडियन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरिडियन हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरिडियन बना सकते हैं। और जहां पर आप खड़े हो गए हो, यहां पर खड़े हो गए हो अगर मान लो, तो इसको मेरिडियन डिफाइन कर दिया, अब अपने रिस्पेक्ट में इसी के रिस्पेक्ट में सारे के सारे लेना है, इसी के रिस्पेक्ट में सारे के सारे लेना है, और अगर इसी के रिस्पेक्ट में सारे सारे के लेना है, तो ये 10 डिग्री अगर ईस्ट हो गया है तो इसी के रिस्पेक्ट में सारे लेना है, बताओ क्या टाइम के साथ ये चेंज होगा, चाहे अर्थ कितना भी घूम जाए टाइम के साथ, चाहे सन के चारों ओर घूम जाए, चाहे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरिडियन कभी भी चेंज होगा, क्या 10 डिग्री ईस्ट क्या 10 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है कि नहीं, हाँ तो हम बात करते हैं वो 10 डिग्री ईस्ट ही रहेगा, तो रेफरेंस लाइन कितनी रहेगी, 10 डिग्री ईस्ट ही रहेगी, तो क्या टाइम के साथ चेंज होगा, क्या कभी चेंज नहीं होगा सर, लेकिन स्पेस के साथ, प्लेस के साथ, अगर प्लेस थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उसका ट्रू मेरिडियन चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हमने उसी पॉइंट से जाते हुआ एक मेरिडियन वर्टिकल सर्किल बना दिया तो प्लेस के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ कभी चेंजेस नहीं निकल करके आते हैं, कभी चेंजेस निकल करके नहीं आ रहे होते हैं। अब बताओ क्लियर हुई ये इमेज या नहीं, तो हम बात करें ट्रू मेरिडियन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, इसको फिक्स किया जाने का केवल एक ही तरीका है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, इसको फिक्स किया जाने का केवल एक ही तरीका है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ही हम बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं हमेशा, ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं, क्या ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं हमेशा एक दूसरे से, ट्रू मेरिडियन की बात करें कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं, नहीं होते हैं। देखो यहां पर, ये देखो, ये यहां से यहां है, यहां से यहां है, डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिस्टेंस क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज, ये डिस्टेंस देखो एक दूसरे से क्या हो रही है, चेंज होती जाएगी या नहीं, ये यहां पर देखो पोल्स पर कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं या कन्वर्ज होते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, पोल्स पर एक ही पॉइंट पर मिलते हुए, और इक्वेटर पे कैसे होते हैं, थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, इक्वेटर पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि क्या ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ट्रू मेरिडियन कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, इनको छोटी सी डिस्टेंस के लिए, छोटे से एरिया के लिए हम एक दूसरे के पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी डिस्टेंस अगर मैं मान लूं तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए एक दूसरे के पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट कैसे होते हैं, पोल पर कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हुए, और इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से सेपरेट। देखो ये इक्वेटर वाली कहानी बता दूं मैं, इक्वेटर इक्वेटर पर सेपरेट हो गए थोड़े से, यानी इक्वेटर पर सेपरेट निकल करके आते हैं। आई बात समझ में या नहीं, अब ध्यान देना यहां पर, अब ध्यान देना, तो ये तो ट्रू मेरिडियन की कहानी हो गई है, तो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा वो कौन सा होगा, ट्रू बियरिंग होगा, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। और ट्रू बियरिंग फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे बता दो बस, ट्रू बियरिंग फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल रहेगी, जब ट्रू मेरिडियन फिक्स्ड है तो ट्रू बियरिंग भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, लेकिन प्लेस के साथ थोड़ा बहुत वैरी
कर सकता है, प्लेस के साथ थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। क्लियर है बात? तो ये हमारी ट्रू बियरिंग की कहानी निकल कर गया, ठीक है, ये हमारी ट्रू बियरिंग की कहानी निकल गया। समझ में आया? दिमाग में क्लियर हुआ? बियरिंग, बियरिंग क्या है? तो देखो बियरिंग बनाना है तुम्हें, बियरिंग ना, बियरिंग बनाना है तो ये देखो ये है और ये यहां पर काट दो, तरबूज काट दो, तरबूज, ये तरबूज कट गया, ये तरबूज कट गया। तो ये जो एंगल निकल करके आएगा, ये जो एंगल निकल करके आया यहां पर हॉरिजॉन्टल एंगल, ये क्या हो गया, ये तरबूज जो कटा है ये क्या निकल करके आ गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, ये बियरिंग निकल गया। मतलब ये जो लाइनें जा रही हैं, ये दिख रही है लाइन, ये इससे यहां से ऐसे चले जाओ, यहां से ये सेंटर से ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल एंगल। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये सब, तो आओ तो तुम यहां कभी। अब ध्यान देना यहां पर, अब देखो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो कहीं यहां होता है, तो हमने बात की यहां पर क्या निकल करके आया, ये आया मैग्नेटिक नॉर्थ और एक आया मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होता हुआ जो वर्टिकल सर्कल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होता हुआ जो वर्टिकल सर्कल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एक एक हम बात करते हैं, बेटा ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, तरुण क्लास क्लास डेली रहेगी या नहीं रहेगी, पुराने लेक्चर देख लो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो एक मैग्नेटिक यहां पर हमने बात की, मैग्नेटिक यहां पर एक मैग्नेट लटका दी, तो ये अपने आप को अलाइन कहां करती है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के डायरेक्शन में अलाइन करती है। कहां पर? अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर रही होती है, अर्थ के मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर रही होती है। तो अगर हम बात करें अर्थ के मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो ये मैग्नेट आकर के रुक गई और इसके नॉर्थ से पास होता हुआ साउथ पे जाता हुआ जो वर्टिकल सर्किल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। तुम मुझे बताओ अर्थ का मैग्नेट लगातार वेरी करता रहता है या नहीं? आज तुमने यहां पर चुंबक टांगी, ये यहां पर है, एक मैग्नेट टांगी, ये यहां पर है, तुमने देखा यार 20 साल बाद ये मैग्नेट यहां से घूम गई है, 20 साल बाद ये मैग्नेट थोड़ी सी घूम जाती है, तो वो चेंज हो जाएगा या नहीं, अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और मैग्नेटिक पोल चेंज हुए तो मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो गए, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो गए, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हुए तो टाइम के साथ और प्लेस के साथ दोनों में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, और दोनों में चेंज हो गए हैं तो मैग्नेटिक बियरिंग भी टाइम के साथ और प्लेस के साथ क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो बताओ क्या फिक्स्ड हुआ कुछ भी? नहीं हुआ फिक्स्ड, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। तो हम बात करें वो फिक्स नहीं होता। अब ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, समझना बात को, ग्रिड मेरिडियन इसी डायग्राम में समझा देता हूं, ग्रिड मेरिडियन, ठीक है, ग्रिड मेरिडियन समझा देता हूं थोड़ा सा। मैंने बात किया कि मैं रह रहा हूं इंडिया में और इंडिया के एक छोटे से पोर्शन को मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने दुनिया का तो देखा, दुनिया का ट्रू मेरिडियन कहीं ना कहीं पड़ रहा था, ग्रीनविच लाइन पड़ रही थी मेरी, ग्रीनविच लाइन पड़ रही थी हमारी, जीएमटी ग्रीन विच मीन लाइन जो पड़ रही थी, मीन टाइम पड़ रहा था, वही हमने बात किया, वो मेरिडियन था। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, हमने कहा अलाहाबाद से हमारी जो लाइन टाइम लाइन जाती है वो अलाहाबाद से पास होती है लेट से, तो इतना सा ग्रिड कंसीडर कर लिया और उसका एक मेरिडियन डिसाइड कर लिया कि लाइन हमारी यहां से पास होती है। अब जो यहां पर हमने ये कंसीडर कर लिया, ये मेरिडियन कंसीडर कर लिया कि लाइन यहां से पास होती है, हमारी टाइम लाइन यहां से पास हो रही है, तो ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हमने बाकी पूरे कंट्री का या बाकी पूरे स्टेट का हमने हमने क्या किया, सर्वे वर्क कर डाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, हमने पूरा का पूरा उसको समझ लिया है, एक रेफरेंस लाइन पास कर दी उस पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर ग्रिड से। तो ये मेरिडियन जो बनाया है हमने, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ग्रिड मेरिडियन बेटा, इसको ग्रिड मेरिडियन कहा जाएगा। और इस ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी हमने लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बियरिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ग्रिड बियरिंग बोला जाएगा, उसको ग्रिड बियरिंग बोला जाएगा।
आर्बिट्री क्या है भैया, जो आप क्या करते थे कॉलेज में, करते थे कॉलेज में करते थे, एक एक एरिया है हमें इसका सर्वे करना है, तो हमने क्या कहा ये भैया ये वाली लाइन जो जा रही है जहां पर कंपास रुक गया, यही लाइन हमने मान ली, आर्बिट्रेली हमने मान ली नॉर्थ डायरेक्शन है, बस इससे हमने बाकी सारे लेवल ले लिए, इस डायरेक्शन से मैंने सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिए बस इस डायरेक्शन से, तो ये आर्बिट्री ली गई है, और आर्बिट्री ली गई है, आर्बिट्री ली गई है, तो जो इसके रिस्पेक्ट में बियरिंग निकल करके आएगा उसको आर्बिट्री बियरिंग बोले, और आर्बिट्री जो ली जाएगी वो हमेशा एक मैग्नेटिक होगी या नहीं, आर्बिट्री जो ली जाएगी मैग्नेटिक होगी, तो क्या ये टाइम और प्लेस के साथ फिक्स होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ग्रिड जो लिया जाएगा वो ट्रू ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, ग्रिड जो लिया जाएगा वो ट्रू ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, मतलब ट्रू मेरिडियन को ही हम ग्रिड मेरिडियन मान सकते हैं, तो ग्रिड फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, आई बात समझ में या नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, ये बताइए मुझे सुधांशु जी, ये जियोग्राफी नहीं है ये सर्वेइंग है, क्लियर बात हुई सभी को? आज बताओ अगर तुम्हें समझ में आए हो थोड़ा बहुत भी तो यार लाइक कर देना, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया मेरिडियन और बियरिंग के बारे में। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके लिखते हैं हम, ट्रू मेरिडियन, धन्यवाद धन्यवाद, ट्रू मेरिडियन, तो हम बात करते हैं इट इज आ वर्टिकल ग्रेट सर्किल, ऐसे इट इज अ ग्रेट सर्किल, और ग्रेट सर्किल का मतलब क्या है, ऐसा सर्किल जो पूरे एक सेलेस्टियल बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा सर्किल जो पूरे के पूरे सेलेस्टियल बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो हमारा क्या निकलता है, ग्रेट सर्किल, तो इट इज अ ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल पासिंग थ्रू ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ कमा नोन एज ट्रू मेरेडियन, ठीक है, नोन एज ट्रू मेरेडियन। अगेन हम बात करें, इट इज कॉन्स्टेंट, नॉट चेंज विथ टाइम, विथ टाइम, धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी, ठीक है, इट नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, कंटेन्स अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पूछा गया है, ठीक है, कौन सा मेरिडियन अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखता है, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखता है, देखना जरा, मैग्नेटिक अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो मैग्नेटिक पोल यहां पर बना देते हैं, देखना ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और मैग्नेटिक साउथ हो गया, क्या ये जो है वो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखता है, ये अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं रख रहा होता है, तो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, तो ये अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं रख रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या है, नेक्स्ट है, इट इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट कन्वर्ज एट पोल एंड अपार्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कैसा हो जाता है, अपार्ट हो जाता है, दूर दूर हो जाता है, और अगर हम बात करते हैं पोल्स पर कैसा होता है, कन्वर्ज होता है, लेकिन अगर हम बात करें बट कंसीडर्ड पैरेलल फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, बट कंसीडर्ड पैरेलल फॉर स्मॉल एरिया,
स्मॉल एरिया के लिए कैसे कंसिडर किया जा सकता है, पैरेलल कंसिडर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है तो मैं यही लिख देता हूं यहां पर, इट इज इनफाइनाइट इन नंबर। इनफाइनाइट इन नंबर, इट इज इनफाइनाइट इन नंबर। चलो दूसरा हम बात करते हैं, ट्रू बियरिंग की बात करें, ट्रू बियरिंग तो टीबी हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन इज ट्रू बियरिंग, इट इज कॉन्स्टेंट नॉट चेंज विथ टाइम। चाहे आप 1980 में ले रहे हो, 1800 में ले रहे हो, 1500 में ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, तो टाइम के साथ ये क्या निकल के आएगा, कॉन्स्टेंट निकल करके आने वाला है, कॉन्स्टेंट निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रू बियरिंग की। हमने बात की कि ट्रू बियरिंग यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है, क्या होता है, तो वो सारी बातें हमने यहाँ पर बात की। और अगर हम बात करते हैं किससे डिसाइड करते हैं, तो डिसाइडेड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, डिसाइडेड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, डिसाइडेड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, इसको भी ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। तो हम बात करें डिसाइडेड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। और मैग्नेटिक बियरिंग किससे हो सकती है, क्या मैग्नेटिक बियरिंग के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है? मैग्नेटिक बियरिंग डायरेक्टली कंपास की मदद से की जा सकती है। किसकी मदद से की जा सकती है? कंपास की मदद से की जा सकती है। तो मैग्नेटिक बियरिंग डायरेक्टली कंपास की मदद से हो जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें हम, इट इज अलाइन, इट इज अलाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। नेक्स्ट, इट इज नॉट फिक्स्ड बट वेरी विथ टाइम एंड प्लेस एज एज मैग्नेटिक पोल्स आर ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। चिंटू टू, चिंटू टू द मैकेनिकल इंजीनियर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बेटा, हो जाएगा लेकिन जल्दी। ठीक है, मनोज चौरसिया जी, गुड इवनिंग बेटा। रोज लेट क्यों आते हो, देखते भी हो या नहीं कि बस आते जाते नमस्कार करने आ जाते हो? चलो ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, तो इसको एमएम भी बोल सकते हैं, एमएम। तो मैग्नेटिक बियरिंग की बात करें तो एमबी, ठीक है, एमबी की बात करें, हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या हमारा क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक बियरिंग कही जाती है। अगेन, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास, किसकी मदद से, कंपास की मदद से मेजर करते। इतनी चीजें क्लियर है, अगर हम आते हैं इतनी चीजें क्लियर है सभी को। तीसरा होता है ग्रिड मेरिडियन, ऐसा कोई जो ऑल क्लियर करके बैठा हो,
अगर हम बात करें फॉर सर्वे ऑफ लार्ज एरिया, जनरली स्टेट एंड कंट्री की बात करते हैं, स्टेट एंड कंट्री कॉमा ट्रू मेरिडियन ऑफ सेंट्रल प्लेस इज ऑफन टेकन एज रेफरेंस मेरिडियन फॉर होल स्टेट और कंट्री एंड इट इज सेड ग्रिड मेरिडियन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, ऑल अदर मेरिडियन ऑफ कंट्री आर अज्यूम्ड टू बी पैरेलल टू ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन के क्या कंसीडर किए जाते हैं? पैरेलल कंसीडर किए जाते हैं, ग्रिड मेरिडियन के पैरेलल कंसीडर किया जाते। देखो वो सुपर संध्या बोल के निकल गया है, उसका उसका रिप्लाई ही नहीं है मनोज चौरसिया जी का, हैं? बोले निकलते हैं पान की दुकान पे बैठे, चलो ठीक है निकल लिए, है ना। चलो भैया सकल मकल देख लो, हम आए थे, ठीक है अटेंडेंस दे देना। अच्छा ऋषि त्रिपाठी जी हैं, अच्छा अच्छा चलो तो हम बात करते हैं क्या हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्रिड मेरिडियन इज नोन एज ग्रिड बियरिंग। तो जो ग्रिड बियरिंग की प्रॉपर्टी होगी उस तरीके से निकल के आ जाएगी। अच्छा तुम बताओगे जाने वाले कौन बेटा, रोकना चाहो तो सबको रोक रोक सकते हो तुम, ये सब बनी बनाई बातें हैं, तुम बना बना के बताते हो कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, हैं? बनी बनाई बातें और बना बना के बताते हो तुम लोग। चलो चलो आगे बढ़े, हुनर होना चाहिए रोकने का। बच्ची काजी गाड़ी रोक देते हैं पुलिस वाले, तुम्हें पता है? जाओ ट्रिपलिंग बैठ के, अच्छी गाड़ी गाड़ी रोक देंगे तुम्हारी जितने चाहे स्पीड में हो। चलो ग्रिड मेरिडियन अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमारा होता है कौन से आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन। अगर हम आर्बिट्री मेरिडियन करते हैं तो जनरली फर्स्ट लाइन अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन जो भी हमारी लेती है, हमारे फर्स्ट लाइन जो भी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्बिट्री मेरिडियन। तो हम बात करें रेफरेंस लाइन इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन, इज जनरली डिफाइंड एज आर्बिट्री मेरिडियन। अबे कौन से जमाने में मेरा चालान बन चुका है, हैं? ये गर्व करना चाहिए तुम्हें, इंजीनियर हो तुम, चालान बन गया, बस देना नहीं था, वो बात अलग थी तुमने दे दिया, वो बात अलग थी।
चलो तो अगर हम बात करते हैं ये कंडीशन, एंड हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री बियरिंग। नोट करके लिखना है यहां पर, जनरली फर्स्ट सर्वे लाइन या फर्स्ट ट्रेवर्स लाइन डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज आर्बिट्री मेरिडियन। जनरली फर्स्ट ट्रेवर्स लाइन इज कंसिडर्ड एज आर्बिट्री मेरिडियन। इसको क्या कंसिडर किया जाता है? आर्बिट्री मेरिडियन कंसिडर किया जाता है। तो हमने किसकी बात कर ली? दो तरीके से बात कर ली। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक यहां पर लाइन है OA। अब देखो यहां पर एक लाइन है मेरी OA, ठीक है। अगर उस OA लाइन को देखें तो ये हमारा है ट्रू नॉर्थ। तो ट्रू नॉर्थ से जो यहां पर एंगल निकाल करके लाएंगे ये थीटा वन एंगल होगा, और थीटा वन एंगल जो हमारा होगा वो ट्रू बियरिंग कही जाएगी। क्या कही जाएगी? ट्रू बियरिंग। और अगर मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बना दिया, ये क्या कर दिया? मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या बना दिया? मैग्नेटिक साउथ बना दिया। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच में जो एंगल निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे थीटा टू, और जो थीटा टू एंगल होगा ये मैग्नेटिक बियरिंग कहा जाएगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो ओए लाइन की बियरिंग होगी वो मैग्नेटिक बियरिंग, और ट्रू नॉर्थ से जो लाइन निकल के आएगी उसको हम ट्रू बोलेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हुई बात? तो ये कंडीशन निकल करके आएगी, ये कंडीशन निकल करके आती है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये कंडीशन हमारी किसकी? बियरिंग की निकल करके आती है। तो जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी वो ट्रू बियरिंग होगी, लेकिन मैग्नेटिक बियरिंग टाइम के साथ चेंज निकल करके आ जाएगी, चेंज निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आप सभी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुपर कोचिंग यहां पर लॉन्च हो चुका है। सुपर कोचिंग में आप SSC JEE की सुपर फास्ट प्रिपरेशन को लेकर के जा सकते हैं, और सुपर फास्ट प्रिपरेशन की बात करें तो आप AE JEE एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं सुपर टीचर्स के साथ में, सुपर फास्ट प्रिपरेशन के साथ में, सुपर फास्ट वे में। तो आपको क्या करना है? सुपर कोचिंग के हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन को एड ऑन करना है, जिसमें आपके 17+ वीडियो कोर्सेस होंगे, 25+ सुपर टीचर्स के साथ, 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 300 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 500 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स निकल के आएंगे, और क्विक डाउट रिजोल्यूशन सेशंस भी यहां पर आपको मिलने वाले हैं, क्विक डाउट रिजोल्यूशन सेशन मिलने वाले हैं। तो यदि हम बात करें तो जो 25+ सुपर टीचर्स हैं ये आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पूरा कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ। तो इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से हमारे फैकल्टीज निकल के आए हैं और अपनी टीम के साथ पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, जो कि आपकी SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए काफी जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार में ओपन होंगे, आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपको आते हैं डाउट। तो डाउट को क्लियर करने के लिए एक्सपर्ट का पैनल भी यहां पर आपके पास अवेलेबल है, जो आपके डेली लाइव क्लासेस ले रहा है, लाइव डाउट सेशन ले रहा है और MCQ प्रैक्टिस सेशन भी ले रहा है। तो एक और अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट किए और एक घंटे में डाउट सेशन के अंदर ही हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने के लिए MCQ सेशन ले रहे हैं, ठीक है। बनाया ना यार, क्यों नहीं बनाया? मैं कौन से दूध का दूल्हा हूं, हैं? ये कौन सी बात है? चलो तो हम बात करते हैं, एक्सपर्ट पैनल में हमें यहां पर मिल रहा होता है। तो आपको क्या करना है? Vaibhav20 कोड को यूज करना है और उससे आपको सब्सक्रिप्शन को एड ऑन करना पड़ेगा। तो आपका यही सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज में, 500 रुपीज पर मंथ में आपको मिल करके आएगा, ठीक है। मयंक मिश्रा जी, ये तो बात मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी की थी यार आपसे कि वो डिमोटिवेशन रहता है कट ऑफ के नाम से, तो कट ऑफ को भूल जाओ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं, रुको। मेरी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग होता है यार, वहां पर अवेलेबल होता है। शिवम भगवान जी, बिल्कुल होता है।
तो अगर हम बात करते हैं 20% ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत 20 कोड जरूर यूज करना है, इससे आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई की, जो हमारी क्लास होगी कल सुबह 12:30 बजे होगी, और इसी टॉपिक पे हम आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास रह गई और कल की क्लास, दोनों क्लास को मिलाकर के क्लब करके हम क्वेश्चन करेंगे 12:30 बजे। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी यहाँ पर क्लास होने वाली है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। साल भर का भी पैकेज है बेटा, पूरा 1 ईयर का भी पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का पैकेज आपको मिल रहा है इसमें सुपर कोचिंग के अंदर। तो आप इस तरीके से एड ऑन कर सकते हैं वैभव 20 कोड के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, आप यहां पर चाहते हैं तो अगर एक क्विज को जीतते हैं तो आप 50% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे अपने सर्वर सब क्वेश्चन पर, 50% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा अगर आप क्विज को विनर होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका सफलता का बंधन यहां पर ऑफर है, तो आप यहां पर बास पास कोड को यूज करके अपना जो पास है टेस्ट बुक पास एड ऑन कर सकते हैं। जो 499 का पास है आपको केवल 400 रुपीज में मिलने वाला है, यूज कोड बास पास, बास पास कोड को यूज करके आपको यहां पर यह पास मिलने वाला है। तो इस पास को एक्सेस कैसे करना है थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, पास एक्सेस कैसे किया जाता है। तो पास एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शो मोर में जाएंगे, और जैसे ही शो मोर में जाएंगे वैसे ही यहाँ पर बाय टेस्ट बुक पास की लिंक पर जाते हैं, और बाय टेस्ट बुक पास की लिंक पर जाते हैं बेटा वो फास्ट क्लासेस में जाओ मिल जाएंगी, फास्ट क्लासेस में जाओ वो मिल जाएंगी, शिवम शिवम भगवान जी फास्ट क्लासेस में जाओ मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर डेली आओगे तो लाइव मिलेंगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कूपन अप्लाई करना है, कूपन अप्लाई करिएगा बास पास BASPASS, तो बास पास कोड को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यही आपको 400 रुपए में मिलने वाला है। तो काफी फायदे का सौदा निकल करके आने वाला है यहाँ आपके लिए, ठीक है। अब बताओ क्या डाउट है तुम लोग के, क्या है परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या, ठीक है। तो सुपर कोचिंग की अगर आप बोल रहे हैं तो अभी उसमें पास्ट क्लासेस में जाएंगे तो मिल जाएंगे, और मास्टर क्लास में भी पास्ट क्लासेस में जाएंगे मिल जाएंगे। मास्टर क्लासेस ज्यादा समय तक नहीं रहती है रिकॉर्डेड में, तो तुम ध्यान रखो कि उसी दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर देख लो बस। साल भर का पैकेज भी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ देखो, कट ऑफ की बात मैं इसलिए नहीं करता हूं अभी से, क्योंकि कट ऑफ की बात करके हमारे दिमाग में एक लिमिट सेट हो जाती है यार, और लिमिट में सेट करना नहीं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ऐसा समय आ चुका है कि अगर मैंने लिमिट सेट कर दिया ना तो तुम उस लिमिट के अकॉर्डिंग चलोगे, और फिर सक्सेस को पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम लिमिट बना लेते हैं। सोहदीप जी, बेटा मैं ये प्रेफर करूंगा लास्ट टाइम में क्वेश्चन ना देखें, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं बस केवल वही देखें, और रिवीजन का प्लान जरूर करो, रिवीजन का प्लान, अगर आपका 18 दिन बचे हुए तो रिवीजन प्लान करो सबसे पहले। आज बहुत बढ़िया समझ में आया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप आते रहे आप लोग तो हम ऐसे समझाते रहेंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो यहां पहली बार है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो क्लियर है बात, और कोई डाउट, परेशानी, समस्या बताओ यार। गुड नाइट भैया, इंजीनियर का गुड नाइट कब से होने लगा। सुभोदीप जी समझ में आया, मुखर्जी जी, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भैया मोटिवेशन तो तुम्हारे, मयंक मिश्रा जी आपके पास है मोटिवेशन, आप निकाल लोगे, लेकिन ये कट ऑफ वाली बात छोड़ दो बस यार, मैं ये बोल रहा हूं अभी छोड़ दो। आप ये मानो अपना टारगेट दिमाग में लिमिट सेट कर लो कि 160 ये है, अब चाहे जी तोड़ मेहनत कर दो, चाहे किसी भी तरीके से कर दो, चाहे तुम्हें बात कम करना पड़े फोन पे, चाहे तुम्हें त्योहार छोड़ना पड़े, छोड़ो जो भी है अभी, लेकिन ये लिमिट सेट करो, हफ्ते में एक दिन जरूर निकालो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो जरूरी है। दोनों से मिलाकर के रखेंगे, आज की जो क्लास नहीं हो पाई है दिनेश जी, तो दोनों से मिलाकर के चेन से भी रखेंगे और कंपास से भी रखेंगे, चेन से भी रखेंगे और कंपास से भी रखेंगे, दोनों से रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपास की एक और क्लास अभी आगे मिलेगी, ठीक है, दोनों से रख लेंगे। मधुकर जी आपकी बात पढ़े हैं, और पिछले सेशन में जाओ जहां पर मैंने बोला है, कई चीजें बोली हैं। मधुकर जी आपकी तो बात, आपने बोला था मैं भी आ गया, मैंने बोला भैया आपका भी स्वागत है, याद हो तो। कैसे बोल रहे हो मधुकर जी यार, आप तो डेली वाले हो, आप कैसे भूल सकते हैं आपको। चलो ओके गाइस, बुरा मत मानो यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, ठीक है।
ओके, थैंक यू गाइस।